नगर थाना क्षेत्र जयंत चौकी के शक्कर मार्केट फल मंडी में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब नाली में साफ सफाई को लेकर आपसी तूतू मैमा होते होते खून खराबे पर मामला पहुंचा। गुरुवार सुबह जयंत पुलिस चौकी क्षेत्र के शक्कर मार्केट में घर का गंदा पानी मलबा बहने को लेकर उपजे विवाद में पड़ोस में ही रहने वाले युवक शैलेश शाह ने इंदिरा देवी के ऊपर चाकू से हमला बोल दिया, जिससे महिला को गंभीर चोटें आईं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए भेज दिया। वहीं हमलावर आरोपी शैलेश शाह को मौके पर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरियादी की रिपोर्ट पर धारा 323, 324, 294, 506, 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। घटना स्थल पर लोगों ने बताया कि हमलावर शैलेश शाह गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, आए दिन लोगों से बेवजह लड़ाई झगड़ा करने उसका काम है। नाला के लिए बोले थे, नाला में लाइटिंग की थी, हम झाड़ू लगा रहे थे अपने दरवाजा पे। हाँ। तब तो हम बोले कि हम कंप्लेन लिखवा कर हम डालेंगे पुलिस चौकी में, ठीक। हाँ। मेरे दरवाजा के सामने लाइटिंग लगा है। अच्छा, ठीक ना। तो गाली देने लगे निकल के घर वहाँ से। कौन गाली देने लगा? मेरे बगल में जो है वो क्या नाम है उसके, गिरजा देवी महिला। हाँ। तो गाली देने लगी तो बेटवा को बोला के बोली के लिए गड़ासी काटे गए, ठीक। तब तक वो ले आके गड़ासी उनको काटिए दिया, उनका बच्चा काट दिया। हाँ। कितना बड़ा बच्चा था, क्या नाम है उसका? 25 वर्ष, शैलेश कुमार। 25 वर्ष का है? 30 साल से ऊपर। 25 लिखवाया है थाना, 25 से बोला जाएगा ना। हाँ। शैलेश नाम है। हाँ। तो किस चीज़ से मारा था आपको? वो दाँप था, दाँप तलवार टाइप का। झाड़ू पर आ रहे थे गर्दन पे तो यहाँ आके लग गया इसी किए तो। ये मतलब हाथ में चोट आया है? हाँ, तो गर्दन पर चला नहीं। वो नेहरू में गए तो हम हॉस्पिटल में टका उका लगवाए। हाँ। उसके बाद वो बोला डॉक्टर कि इनका तो नसीब ठीक है कि बच गई है, हड्डी पर नहीं लगा है, हड्डी पर बच गया है इनका। अच्छा, मतलब अपने तरफ से प्राण घातक हमला किया था। हाँ। इसकी शिकायत की गई है कहीं? क्या इसकी शिकायत थाने में दी गई है? तो क्या कुछ कार्रवाई हुआ कि नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं की गई है? कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। लड़का को पकड़ के उच्च में रखे हैं। हम बोले हैं उसके मम्मी को भी पकड़ के रखे, उसकी मम्मी ने बोली अच्छा उसकी मतलब माता जी बोली काटने के लिए। हाँ। मारने के लिए मम्मी को क्यों नहीं पकड़े हैं लोग? आगे पास लाइटिंग आकर रुका हुआ था, हम यही बोले कि भाई किस कौन सा ऐसा आदमी है कि जो नाला में हक दे रहा है। तो उसी पर वो जाकर बगल वाले से हम बोले तो बगल वाले जाकर उनसे बोल दी, उसी में गाली गलौज देने लग गई। उसके बाद गाली गलौज देने के बाद में बोली के लिया हसुआ काट के गाड़ी उड़ के इससे ककर तले हम डंडा झाड़ू ली थी। हाँ। वही झाड़ू या लठिया से आटे वो तो गर्दन पर चला रहा था, तले लठिया से आ रहे हैं इसे तो जाकर उनके पाही पलट। किस चीज़ से मारा था? वो बड़का तलवार टाइप का, तलवार से मार दिया है। बड़का हसुआ टाइप का था, बाँह पे मारा गया ना, हाथ पे गर्दन पे चला। अच्छा, रहा गर्दन मतलब बाँह पे लगा, गर्दन पे चला रहा था लेकिन छटक के बाँह पे लग गया। वही रोके ना इसी करके तो इसी पे आके लग गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस के द्वारा? ये मेडिकल करने के बाद में कुछ नहीं बोले, इंग्लिश में बोले, हम लोगों को समझ में नहीं है या नॉर्मल केस लिख दिए। वहाँ से बोले जाओ 307 लग जाएगा, नेहरू से डॉक्टर साहब बोले 307 धारा लगना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर नेहरू वाले जो है बोले 307 धारा लगना चाहिए, गंभीर चोट आई है। गंभीर चोट आई है ये लोग बोल रहे हैं। सिगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।